हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हनुमान सिवलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HS टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत करते हैं। और यहाँ पर स्टूडियो में बात करेंगे फ्री मोबाइल योजना को लेकर। SMS आना हुआ शुरू, देख लो आपको आया है या नहीं। इन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा फ्री स्मार्टफोन, यानी प्रथम चरण में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत जो चयनित महिलाएं हैं उनके पास SMS आना शुरू हो चुका है। तो केवल इन्हीं महिलाओं को जो फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका भी यहाँ पर SMS नहीं आया है तो किस प्रकार से आएगा, क्या करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी जानकारी हम बताएंगे। और ये मैसेज आ गया है तो उनको क्या तैयारी करना है, क्या डॉक्यूमेंट उनको तैयार करना है ताकि आगे जाके दिक्कत नहीं हो, ऐसे सारी जो बहुत सारी जो इससे जुड़ी जानकारी है वो आपको हम इस स्टूडियो में देने वाले हैं। फ्री स्मार्टफोन योजना से रिलेटेड हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ लेना चाहते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी वाला निशान है इसके पास में, इसे ऑन कर लीजिए। और उसके बाद में आपके व्हाट्सअप, फेसबुक, सभी इंस्टाग्राम, वहाँ पर सभी पर यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर वाले बटन पर क्लिक करके, ताकि आपको जो फ्री स्मार्टफोन है वो सबसे पहले मिल सकें। और कमेंट बॉक्स में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो जिला है, वो जरूर उसका नाम लिखें ताकि हमें पता रहे और सबसे पहले आप लोगों तक उस जिले की अपडेट पहुंच सके और आपको जो फ्री मोबाइल है वो सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर इतना सा आपको काम कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर जो SMS आ रहा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये SMS हमारे पास प्राप्त हुआ है कि प्रिय, इनका नाम आ जाएगा जिसका भी जनाधार है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण चयन पर आपको हार्दिक बधाई। मतलब इसका प्रथम चरण जो है फ्री स्मार्टफोन योजना का, वो यहाँ पर इसमें जो महिलाएं हैं उनको स्मार्टफोन मिलेगा। और द्वितीय चरण है उसका भी हमने वीडियो डाला है, आपने अगर नहीं देखा तो वो भी वीडियो, पिछला वीडियो है तो वो जाके भी आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं तो। तो देखिए, हार्दिक बधाई। योजना में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन निःशुल्क प्राप्त करने के लिए जन आधार में लाभार्थी के आधार नंबर व मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। अतः जन आधार में इन सूचनाओं को जल्द से जल्द अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। शीघ्र ही आपको कैंप की सूचना के बारे में SMS के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। तो देखिए, अवगत करा दिया जाएगा शुभकामनाएं सहित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि जो आपको है ना, इसका जो आपका इसमें प्रथम चरण में चयन हुआ है उसकी इन्होंने हार्दिक बधाई दी है। और अब आपको निःशुल्क फ़ोन स्मार्टफोन योजना प्राप्त करने के लिए जन आधार में लाभार्थी के आधार नंबर और मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि KYC होने वाली है तो आपका जो जन आधार है उसको चेक करवा लें उसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं। तो ये अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाके और ये चीज़ आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये ध्यान रखें, आधार कार्ड और जन आधार में आपके मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए, इससे KYC की जाएगी। अब देखिए, ये जो चयन हुआ है ये इन्हीं महिलाओं का चयन हुआ है, जैसे विधवा, एकल नारी, पेंशन, नरेगा में 100 हाजिरी, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में 22-23 ईयर के अंदर, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 50 दिन का अगर उन्होंने रोजगार किया 22-23 में तो उनका चयन हुआ है। और ये छात्र, मतलब जो छात्राएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो महाविद्यालय, कला, वाणिज्य, विज्ञान, संस्कृत, पॉलिटेक्निकल, ITI वगैरह सरकारी विद्यालय से कर रही है तो इनका भी चयन हुआ है। और 9वीं से 12वीं कक्षा में अगर कोई छात्राएं पढ़ रही है 9वीं से 12वीं कक्षा में तो उनका भी चयन है, उनके पास भी मैसेज आया है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंप है, कैंप में 10 से कैंप यानी 40 लाख महिलाओं को देगी फ़ोन। तो स्मार्टफोन के लिए 6125 रुपये और डाटा के 675 रुपये ये सरकार देगी। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि 6125 रुपये मोबाइल के लिए और 675 रुपये सरकार देगी डाटा के लिए, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर ये रहेगी प्रक्रिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस प्रकार से क्या सिस्टम रहने वाला है, वो मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर देखिए, जो योजना का मैंने आपको प्रथम चरण बताया है जिसमें प्रदेश, जो देखिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रदेश के चिरंजीवी परिवारों को 1.35 करोड़ 35 लाख महिलाओं को राजस्थान सरकार की ओर से 3 वर्ष का तक फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जा रहा है। योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को अपनी इस पसंद का स्मार्टफोन चुन रही है और दूसरे चरण में 95 लाख महिलाओं को अपनी नज़दीकी महंगाई राज में जाकर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पंजीयन करवाना पर स्मार्टफोन पा सकेगी।
तो देखिए 95 लाख महिलाओं को महिलाएं हैं जो उनको दूसरे चरण में ये स्मार्टफोन दिया जाएगा। उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाली है, जल्दी हम वीडियो बना देंगे। उस वीडियो के लिए आपको क्या करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी वाला निशान है उसे भी दबा लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए कैंप में आपको EKYC किया जाएगा और आपके फ़ोन में ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड किया जाएगा। फिर आप ई-वॉलेट ऐप में DBT के माध्यम से 6800 रुपये स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके बाद ही आप अपने पसंद की कंपनी का फ़ोन, सिम, इंटरनेट, डेटा प्लान चुन सकेंगे। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ये कैंप लगेगा, रविवार का अवकाश रहेगा। तो इसकी सूचना आपको अपने मोबाइल पर दे दी जाएगी कि जो आपका स्मार्टफोन है वो यहाँ पर कहाँ पर लग रहा है कैंप, आपकी पंचायत समिति में कौन सी जगह लग रहा है, स्कूल वगैरह जो भी है, तो वहाँ पर आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। जो आपका स्मार्टफोन है अपनी मनपसंद का आप स्मार्टफोन ले पाएंगे, अपनी तरफ से भी आप पैसे डाल के और अच्छा खासा स्मार्टफोन ले सकते हैं। तो ऐसे परिवार जो चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं और उन्हीं की जो उनका जनाधार है जो चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है, ये जनाधार भी आप चेक कर लें। अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड है जो आपका, इसमें भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो जिन लाभार्थियों के पास मैसेज आ रहा है ये ध्यान रखें, इनमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में जो यहाँ पर आपके जो भी पर्सन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने गांव, ब्लॉक, जिले का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, अपने गांव, ब्लॉक और जिले का नाम। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर इससे जुड़ी हम देखिए, हमने एक पिछला वीडियो डाला था जिसमें आपको जन फोन मिलेगा या नहीं, या मान सकते हो, लोग बहुत सारे यूट्यूब बोल रहे थे कि लिस्ट में नाम चेक रहे, लिस्ट वगैरह नहीं होती है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पात्रता जांच की जाती है, तो वो आप अपने जनाधार नंबर से पता कर सकते हैं अपने फोन से घर बैठे कि आप इंदिरा गांधी योजना के लिए पात्र है या नहीं है। वो हमने पिछला वीडियो डाल रखा है, वो देख लीजिए, उसमें जनाधार नंबर डाल के चेक कर लीजिए। परेशान नहीं हुई, अगर आपको फ्री स्मार्टफोन योजना इस बार नहीं मिला तो दूसरे चरण में यहाँ पर मिल जाएगा, और अभी इसी चरण में मिल रहा है। तो आप ध्यान रखें, अपने जनाधार और आधार कार्ड को अपडेट रखें, मोबाइल नंबर वगैरह मित्र से चेक करवा लें ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो। तो हम आपको फ्री मोबाइल योजना से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक और प्रेस वीडियो में लेटेस्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।